कश्मीर से ज्यादा मुसलमान बिहार में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान राजस्थान में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान आसाम में है। सोच लीजिएगा, आज जितने हैं 2024 में उतने भी आप नहीं रहेंगे। आपने अलगाववाद किया, आपके नेता कहीं गलती कर सकते हैं, हो सकता है गलतियां हो सकती हैं। धारा 370 पे अमित शाह ने जब सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच का जब बयान आया और संसद में उन्होंने जब कुछ कहा तो तालियों की गड़गड़ाहट से संसद गूंज उठा। सुनवाते हैं अमित शाह को। मान्यवर, मैं इनको नहीं समझा सकता, मेरी तो मर्यादा है ऐसा, नहीं समझा सकता कि वास्तविकता क्या है। हमें समझना चाहिए कि 42,000 लोग मारे गए हैं। क्यों मारे गए? सवाल हिंदू मुस्लिम का नहीं है। इनसे ज्यादा मुसलमान गुजरात में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान उत्तर प्रदेश में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान बिहार में है, कश्मीर से ज्यादा मुसलमान आसाम में है। क्यों वहां अलगाववाद नहीं हुआ? क्यों वहां टेररिज्म नहीं हुआ? बाउंड्री का भी सवाल नहीं है साहब। कई ऐसे राज्य है, राजस्थान की बाउंड्री भी पाकिस्तान से लगती है, गुजरात की बाउंड्री भी पाकिस्तान से लगती। क्यों हुआ? क्योंकि धारा 370 अलगाववाद को बल देती थी और अलगाववाद के कारण आतंकवाद खड़ा हुआ। ये समझना ही नहीं चाहिए। एक गलत फैसला हो जाता है, कितने भी बड़े आदमी से हो सकता है, किसी भी पार्टी से भी हो सकता है, मगर जब इतिहास सिद्ध कर दे, समय सिद्ध कर दे, ये फैसला गलत है। देश के हित में वापिस आना चाहिए। अभी भी मैं कहता हूं, वापिस आइए, वरना जितने बचे हो इतने भी नहीं बचोगे। अगर अभी भी इस फैसले को चिपक कर रहना चाहते हो तो देश की जनता देखती है, 2024 में दो दो हाथ भी हो जाएंगे और जनता का परिणाम भी आ जाएगा और मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री। सुना आपने अमित शाह को, कहा कि हाँ गलतियां हो सकती हैं, शायद गलतियां नेहरू से हुई होंगी, गलतियां कांग्रेस पार्टी से हुई होंगी, लेकिन गलतियों को सुधार लिया जाए यही बहुत बड़ी बात होती है। अब देखना होगा कि क्या कांग्रेस, जब 5 जजों की बेंच ने फैसला सरकार के पक्ष में दे दिया है, तो सरकार के साथ जाती है या फिर किसी आंदोलन में उतरती है। इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ।